हेलो फ्रेंड, सर्विसिंग किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जुगनी की सब्जी। ये हमने जुगनी ली है, ये हमने 1 किलो ली है। इसे हमने छीला नहीं है, इसे हम छीलेंगे भी नहीं, इसे हम ऐसे काटेंगे। इसका हम डंठल हटा देंगे, बस इसको हम इस तरह से काट के, इसे से हम काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम काट लेंगे। हमने काट लिया, इसे हम धोएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मेथी दाना और डाल देंगे इसमें लहसुन जो बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च हमने लिए 2, ये तेल हमने काट लिया है। इसे अच्छी तरह से भून लें हम पहले। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और मेथी दाना हमारा भुन चुका है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इसे डाल के हम फिर इसे भून लें। भुन चुके टमाटर, इसमें हम डालेंगे हींग और इसमें हम डालेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला दें। फिर इसमें ये सब्जी डाल दें जुगनी की, इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला दें। हमने इसे चला दिया, अब इसे हम लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। इसमें हमने पानी नहीं डाला है और इसे हम ढक के रख दें और लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। ढक्कन हटा के देखेंगे हम, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।